ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, आज हम कुष्ठ रोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दीपक माथुर जी, जिनके साथ हम कुष्ठ रोग पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट के टाइप्स की, उसी पर विस्तार से आगे जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेप्रोसी को जैसे मैंने बताया दो तरह से मल्टी बेसिलरी या पॉसी बेसिलरी में डिवाइड कर रखा है जी। और उसके हिसाब से हम लोग एक बार पेशेंट का परीक्षण करते हैं और हमारे जो राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन, समाप्त करने का उन्मूलन कार्यक्रम जो है, उसके तहत हमने दो भागों में जो बांटा है, उसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति के अगर चटक्के 5 तक हैं, कोई नस फूली भी नहीं है या है तो एक फूली भी है और उसकी स्लिट स्मेयर के अंदर कीटाणु नहीं दिखते हैं, उनको हम लोग पॉसी बेसिलरी कहते हैं जी। और किसी व्यक्ति के 6 से ज़्यादा चटक्के शरीर पर हैं, कोई नस फूली भी, 1 से ज़्यादा नसें फूली भी हैं और अगर हम उसके अंदर उसकी स्लिट स्मेयर लेते हैं और उसमें हमें कीटाणु नज़र आते हैं कुछ रोग के, तो उसको हम मल्टी बेसिलरी कहते हैं जी। और उसके डायग्नोसिस के बाद ये सब सुविधा जो है स्लिट स्मेयर की, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को इसकी पूरी तरह की ट्रेनिंग दी हुई होती है और वो डायग्नोस करके मरीज को जो इसके पत्ते होते हैं, ये जो मैंने बताए थे, वो रोगी को देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है जी। अगर हम पूरे इतिहास की बात करें, पहले जरूर कुष्ठ रोग के अंदर दिक्कत आती थी, इलाज के अंदर वर्षों तक इलाज चलता था जी। क्योंकि 1940 से पहले कुष्ठ रोग के इलाज की कोई एस्टेब्लिश मेडिसिन नहीं थी और दो तरह के तेल आते थे, चोलमोगरा एंड हिडनोकार्पस ऑयल, इनकी मालिश करते थे कुष्ठ रोग के रोगियों के ऊपर। फिर 40 के दशक में, 1940 के बाद डेप्सोन नाम की मेडिसिन का जब इन्वेंशन हुआ जी, तो डेप्सोन अलोन दिया जाता था जी। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या रहा कि लंबे समय तक डेप्सोन देने से डेप्सोन से रेजिस्टेंट डेवलप हुआ जी। और फिर उसके बाद में, फिर ये जब 1982 के ऑनवर्ड्स ये जो मल्टी ड्रग थेरेपी MDT का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चालू हुआ, उसके बाद इसके ऊपर इसका हमारे इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है जी। और जैसा मैंने बताया था आपको कि करीब प्रेवलेंस रेट जो हमारे देश के अंदर 1991 के आसपास 24.9 पर 10,000 पॉपुलेशन प्रेवलेंस रेट था जी। जो घट करके आज की तारीख में 2005 के बाद में हमारे यहाँ इसकी 0.84 के आसपास प्रेवलेंस रेट आ गई है पर 10,000। सो इट इज़ ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड। और जो WHO ने भी ये कहा था कि भाई इरिडिकेशन का डेफिनेशन ही यही है कि प्रेवलेंस रेट 1 से कम आ जाए पर 10,000 पॉपुलेशन, दैट वी हैव अचीव्ड जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही के बताया आपने। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती है जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो उस समय। हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। कुष्ठ रोग के रोगी को जब इलाज दिया जाता है तो उसमें दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना रहती है। एक तो दवाइयों के खुद के, हालांकि दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं लेकिन फिर भी, क्योंकि लिटरेचर में लोगों के साथ यूज़ करने पे साइड इफेक्ट होने का मेंशन है, तो कोई भी साइड इफेक्ट ड्रग के इंड्यूस भी हो सकता है। प्लस कुष्ठ रोग का जब इलाज किया जाता है तो शरीर की इम्यूनिटी पुनः जनरेट होती है जी। डॉक्टर साहब, एक बार के लिए बीच में आपको रोकना चाहूँगा, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, रतन जी हैं पाली से। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। सर, क्या मैं नहाने के बाद में मेरे शरीर में खुजली चालू हो जाती है और छोटी छोटी घुंघरी हो जाती? जी 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 जी, जो आप जिस बीमारी का जिक्र कर रहे हैं उसको हम लोग एक्वाजेनिक प्रोराइटिस या एक्वाजेनिक आर्टिकेरिया कहते हैं। ये एक तरह की पित्ती का वैरायटी होता है, पित्ती या धापड़ की एलर्जी जो होता है उसका वैरायटी होता है। अब इसमें दो स्थितियाँ होती हैं, पानी डालने से होती है या नहाने के बाद टॉवल रब करने से होती है। और किसी भी परिस्थिति में अगर पानी डालने से है तो हम इसको ट्रीटमेंट लंबे समय तक देते हैं और फिर धीरे धीरे मेडिसिन बंद करते हैं, तो ये परिस्थिति आपको वापस एलर्जी करना बंद कर देती है। इसमें आपको किसी भी चिकित्सक के संपर्क में इलाज लेके और धीरे धीरे मेडिसिन बंद करनी है तो आपको ये एलर्जी चली जाएगी। एब्रप्टली अगर आप दवाई बंद करेंगे तो ये वापस अपीयर हो जाएगी और ये बहुत इजीली मैनेजेबल डिजीज़ है, इसका इलाज बहुत अच्छी तरह से संभव है। तो रतन जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम ट्रीटमेंट पे जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, हाँ, उन पर चर्चा कर रहे थे। देखिए, कॉम्प्लिकेशन जो कुछ रोग के साथ होती हैं, पहला तो होता है कि कुछ रोग के अंदर सुन्नपन हो जाता है जी। और व्यक्ति को खुद को पता नहीं लगता है कि कोई चीज़ चुभ गई है या कोई गर्म ऑब्जेक्ट के पास वो बैठा है, स्किन जल गई है जी, तो उस तरह के अल्सर्स बन जाते हैं। दूसरी कुछ रोग की कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो होती है डिफॉर्मिटीज जी। पेशेंट जब रिकवर करता है
तो उसके न्यूराइटिस हमारे उसको कहते हैं न्यूराइटिस हो जाती है, और उससे जैसे क्लॉ हैंड्स हैं या एप हैंड्स हैं या पैर के अंदर डिफॉर्मिटीज़ हैं, इस तरह की डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। उसी प्रकार कुछ रोग के अंदर आइज़ में कॉम्प्लिकेशन आते हैं। कुछ रोग का जब इलाज देते हैं तो लेप्रोसी ट्रीटमेंट की कुछ रिएक्शंस होती हैं, उनको लेप्रा रिएक्शंस कहते हैं, उनसे आइज़ में प्रॉब्लम्स आती हैं जी, और डिफरेंट पार्ट्स बोन्स के अंदर भी चेंजेज आते हैं लेप्रोसी से जी। तो वो लॉन्ग टर्म लेप्रोसी इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर कोई आदमी प्रॉपरली इलाज लेता है और कोई भी छोटा मोटा सिम्टम उसको अपीयर होता है और अगर डॉक्टर्स को दिखाता है तो उसका इलाज बहुत इजीली मैनेजेबल है जी। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जैसलमेर से सत्येंद्र जी हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, 10 साल पहले मैंने हाँ नमस्कार, बताइए। मतलब 10 साल पहले मैंने ट्रीटमेंट लिया था लेप्रोसी का जी सर। वो ट्रीटमेंट मेरा पूरा हो गया था जी सर। ऊपर पैरों के अंदर जो नमनेस आई थी, मतलब काफ में जी सर, वो नमनेस अभी तक मतलब प्रॉपर नहीं हो पाई है बिल्कुल। लेकिन अभी भी मतलब सर्दियों के अंदर ड्राई हो जाती है और बिल्कुल अलग सी दिखती है। देखिए क्या होता है कि कुछ रोग में जो मुख्य चीज है वो है एम लेप्री कीटाणुओं का इन्फेक्शन, और जो आपको इलाज दिया जाता है उससे कुछ रोग के कीटाणुओं को तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं और आपको कीटाणु रहित कर देते हैं, लेकिन स्किन के ऊपर जो निशान है चतक का वो दिखता रहता है। चतक का एक्टिव बीमारी का लक्षण नहीं है। दूसरी बात, कई बार लेप्रोसी के अंदर नर्व्स को जो डैमेज होता है, क्योंकि एम लेप्री प्रिफरेबली अपने आप को नर्व्स के अंदर मल्टीप्लाई कराता है, और नर्व्स के अंदर जो डैमेज होता है वो कई बार पूरा रिकवर नहीं हो पाता। तो नर्व डैमेज जिसका आप नमनेस या सुन्नापन कह रहे हैं वो रह सकता है, लेकिन ये एक्टिव डिजीज़ का किसी भी तरह का कोई साइन नहीं है जी। तो डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि कुष्ठ रोग से क्या और भी बीमारियाँ हो सकती है, बड़ा ही शॉर्ट में? नहीं, कुष्ठ रोग से और कोई बीमारी तो नहीं हो सकती। कुष्ठ रोग इट्सेल्फ इज एन इंडिपेंडेंट डिजीज़ जी। कुष्ठ रोग के ट्रीटमेंट मेडिसिन से या कुष्ठ रोग के कॉम्प्लिकेशन जरूर हो सकती हैं जो मैंने अभी जिक्र किया जी, स्किन के अंदर हैं या बोन्स के अंदर हैं या आपके आइज में हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशंस का इलाज बहुत अच्छी इजीली मैनेजेबल है जी। तो डॉक्टर साहब आपसे एक और बार जानना चाहूँगा कि किस तरह प्रिवेंशन किया जा सकता है कुष्ठ रोग का, और या फिर ना हो उसके लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए लोगों को? देखिए, कुष्ठ रोग के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि किसी भी तरह का एबनॉर्मल स्किन चेंज आपको नज़र आता है जिसमें सुन्नापन है, उसके लिए चिकित्सकीय परामर्श लें जी। और दूसरी बात, कुष्ठ रोग के इलाज के अंदर जो मेन है उसका रोगी का इलाज, उसका सामाजिक उत्थान और उसका आर्थिक जो मॉर्बिडिटी होती है उसका करेक्शन है जी। तो कुछ रोग के बारे में हमें किसी भी कुछ रोगी के से कोई तरह का कोई हीन भावना नहीं रखनी चाहिए जी। कुछ रोगी सामान्य इंसान होते हैं। कुछ रोग के अंदर सिर्फ कीटाणु जो होते हैं वो हम एक बार की डोज से 99.9% कीटाणुओं को हम समाप्त कर देते हैं, तो हमारा रोगी जो है प्रथम डोज में ही छूत रहित हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे शो आपको बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें कुछ रोग से संबंधित जानकारी देने के लिए। नमस्कार। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। दर्शकों, अगले शनिवार फिर किसी नई बीमारी का इलाज के साथ होगी एक बार फिर से आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।